सो लास्ट स्टेज जिसको हम करेक्ट पेंसिल स्टेज कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्राईपॉड ग्रिप. ये वही ट्राईपॉड ग्रिप है जिसके ऊपर अब हम अपने मोबाइल लगाते हैं तीन टांगों वाला, और उसके ऊपर हम अपनी चीज को स्टेशनरी, कैमरे को स्टेशनरी करते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ट्राईपॉड ग्रिप. क्योंकि अगर आप इस तस्वीर में देखें तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ होल्डिंग अ पेंसिल इन द हैंड. शुरू शुरू में ये ग्रिप जरा स्टिफ होगी, बच्चे जरा मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया. इस तो यहां पर जो एक्टिविटी हम इस्तेमाल करते हैं वो डॉटेड होती है. जो भी हम उनसे राइटिंग करवा रहे हैं, जो भी लाइंस बनवा रहे हैं, वो डॉटेड होती हैं ताकि वो डॉट की सपोर्ट के साथ उस चीज के ऊपर फोकस कर सके कि उन्होंने उस पेंसिल को कैसे पकड़ना है और एक डॉट से दूसरे डॉट में लाइन कैसे मिलानी है. पेंसिल शाफ्ट इज सपोर्टेड बिटवीन द थंब एंड द मिडल फिंगर. यानी अब वो जो मूवमेंट हमारी यहाँ शोल्डर से शुरू हुई थी वो एल्बो तक आई जब हम उसको पामर्स में लेकर गए, और अब जब वो फिंगर्स तक आ गई, इसका मतलब है कि वो जो न्यूरॉन्स डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो साथ साथ शोल्डर से फिंगर्स की टिप तक पहुंच गई है, और यहाँ पे लिखने के लिए अब उसका मटेरियल तैयार हो चुका है. मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाती है और फिर एक मैच्योर ग्रिप पेंसिल की हाथ में आ जाती है. इस स्टेज तक आने के लिए हो सकता है टीचर को या बच्चे को 2 महीने लगें या 3 महीने लगें, लेकिन इस फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज और रिसोर्सेज की मदद से हम बच्चों में ये टास्क इंडिपेंडेंटली उनको देते हैं कि अब आपकी बारी है, अब आप अपनी मर्जी का कोई कलर चूज करें और इस बटरफ्लाई में कलर करें. बटरफ्लाई को प्लीज नोटिस कीजिए, इसमें अब मजीद बहुत बारीकी वाले डिजाइन आ गए हैं. यानी अब बच्चा उस छोटे एरिया में, छोटे जोन में अपनी फिंगर्स को ऐसे ऊपर नीचे ट्विस्ट करके कलर कर सकता है. ये जो हमारी मूवमेंट है ये मैच्योर मूवमेंट होती है जिसमें हम जो माउस है उसको भी फिंगर से हैंडल कर लेते हैं और पेंसिल की टिप को भी हम जहां चाहें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे उसको एक सर्टेन एरिया में कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं.